तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की और इस मौके पर गोपाल राय ने लोगों को जागरूक किया और उनसे अपील की है कि अगर रेड लाइट पर वो गाड़ी को रोकते हैं तो उसे बंद कर दें। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सारिका चौधरी भी मौजूद थी, उन्होंने भी गाड़ियों पर स्टीकर लगाकर लोगों को जागरूक किया। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की सारिका चौधरी से, क्या कुछ कहा सुनाते आपको। प्रदूषण को बढ़ता हुआ देख जहां एक तरफ सरकार लगातार अलग अलग कैंपेन चला रही है, तो वहीं अब एक नया कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नए स्तर से चलाया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टिकर्स हैं वो गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो आज से ही ये जागरूक अभियान इसे कहा जा सकता है जो शुरू इसकी शुरुआत की जा रही है। अभी गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। सारिका चौधरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका, किस तरीके से देखती हैं इस कैंपेन को? हर साल ये जागरूकता अभियान लोगों के बीच में चलाया जाता है, कितना ज़रूरी आप मानती हैं इसे? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह हर साल हमारा अभियान चलाया जाता है। माननीय गोपाल राय जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और उनके थ्रू ये चलाया जाता है और ये पूरे दिल्ली में इसके अभियान को चलाया जाता है। और ऐसा नहीं है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी लोग इसको फॉलो करते हैं जो लाल बत्ती ऑफ और ऑन वाला होता है। लेकिन मेरा मानना ये कि जैसे पिछले हरियाणा का जो पराली जलती है, पराली की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है, तो बीजेपी हमें जो गाली दे रही है, जो हमारे दिल्ली सरकार को गाली दे रही है, आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है, वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि गाली और लड़ाई झगड़े से ज़्यादा बेहतर है कि वो लोगों के हित के लिए काम करें। जिस तरीके से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हित के लिए काम कर रही है, इस तरीके से बीजेपी भी करना चाहिए। बीजेपी को जो हरियाणा में पराली जलाई जाती है उस पर रोक लगाना चाहिए, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किसानों को कैसे समझा सकते हैं या कोई नई टेक्निक लेके आया जा सके जिससे कि अगर प्रणाली उसका धुआं जो दिल्ली के अंदर ना आए। और वो धुआं आने की वजह से हर साल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता अभी है। अभी भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 350 से ज्यादा का है, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि बजाय आरोप प्रत्यारोप के बैठकर बात होनी चाहिए कि किसी तरीके से समाधान निकल सके ताकि इस प्रदूषण से बचा? मुझे लगता है कि हमें जनता के लिए ना, जनता के हित के लिए हमें समाधान निकालना चाहिए। और जो इस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है और कि केंद्र में उनके एलजी साहब अपनी बहुत ज्यादा आजकल चलाते हैं, एलजी साहब सीएम साहब का पूरा ओहदा लिए बैठे हैं, तो एलजी साहब को भी सोचना चाहिए कि दिल्ली में पोल्यूशन कैसे रोका जा सके, हरियाणा के पोल्यूशन को कैसे रोका जा सके जो दिल्ली में ना आ सके। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, ये जो अब कैंपेन आपने शुरू किया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये जागरूक अभियान है निश्चित तौर पर, तो इसकी क्या रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से आप लोग इसे आगे चलाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आज हमने देखा आईजीएल पंप पे ज्यादातर जो ऑटो थे उन पर आप लोगों ने ये स्टिकर्स लगाए हैं, गाड़ियों पर भी लगाए हैं। देखिये, हम लोगों ने जो ऑटो रिक्शा के कई यूनियन जो लीडर हैं हमने उनसे बातचीत की है, हम उन पर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं ऑटो रिक्शे के थ्रू। और दूसरा जो हमने एरिया बाई एरिया जो हम कर रहे हैं, तो जो प्रधान है जैसे एरिया कोई झुग्गी का प्रधान हुआ या आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पार्टी के वर्कर हुए हैं, हम सब लोग ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने पार्टी की वर्करों के थ्रू कर रहे हैं, हम अदर पार्टी के वर्करों को भी ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक, हाँ सामाजिक संगठन है, दूसरी पार्टी के भी लोग होते हैं, हम उनसे भी बोलते हैं, कांग्रेस बीजेपी वालों को भी बोलते हैं कि आप इस मुहिम में साथ दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी या हमें फायदा होगा, इससे आपको आपके बच्चों को फायदा होगा, तो हम उनसे भी अनुरोध करते हैं और सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इसमें हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप देखेंगे जब बत्ती लाल बत्ती हो जाती है तो लोग अपने आप गाड़ी भी रोक रहे हैं, बाइक भी रोक रहे हैं, ऑटो भी रोक रहे हैं, तो ये सहयोग एक तरीके से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपसी सहयोग होना भी बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक भी बहुत होना जरूरी है प्रदूषण को लेकर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी दिल्ली।